क्रिकेट की दुनिया में ऐसे कई किस्से हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ऐसा ही एक किस्सा है इंग्लैंड के एंडी लॉर्ड का। इंग्लैंड के एंडी लॉर्ड टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में इकलौते ऐसे ओपनर हैं जो टेस्ट में कभी आउट नहीं हुए, लेकिन इसके पीछे एक दिलचस्प घटना है। दरअसल लॉयड ने अपने टेस्ट करियर का पहला मैच वार्गिंगम के मैदान पर वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था। अपने पहले ही टेस्ट मैच में जब इंग्लैंड की ओर से लॉयड ने ओपनिंग की तो उनके साथ एक हादसा हो गया। हुआ ये कि जब वो 10 रन पे बल्लेबाजी कर रहे थे तभी वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज मार्कल मार्शल की एक खतरनाक बाउंसर उनके हेलमेट पर जाकर लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर रूप से चोटिल होने के कारण उन्हें तुरंत ही बल्लेबाजी छोड़ना पड़ा और अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। दुर्भाग्य से एंडी फिर वापस टेस्ट मैच नहीं खेल पाए। चोट इतनी गंभीर थी कि उनकी वापसी फिर टेस्ट में नहीं हो पाई। एंडी लॉयड का नाम ऐसे दुर्भाग्य खिलाड़ी में शामिल हो गया जिनका टेस्ट करियर का आगाज ही टेस्ट करियर का अंत हो गया। इसी तरह लॉयड टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऐसे इकलौते बल्लेबाज बन गए जो कभी आउट नहीं हो पाए।